गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी और यशवंत परमार को दी पुष्पांजलि। सुजानपुर में घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत, घर घर से उठेगा कूड़ा। गोहर में धूमधाम से मनाया 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस, चारों ओर बधाइयों का तांता। जोगिंद्रनगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बड़ा हादसा टला। युवाओं ने खुद ही साफ कर दी सड़क, रेलिंग लगाने की उठाई मांग। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिले 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से भी आयोजन हुए। सोमवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता नामी नेताओं के साथ रिज पर पहुंचे और इस अवसर पर इंदिरा गांधी और यशवंत परमार को पुष्पांजलि अर्पित की गई। का दिन हिमाचल वासियों के लिए मुबारक दिन, क्योंकि आज के दिन बर्फ गिर रही थी, हिमपात हो रहा था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसी रिज मैदान पर, ऐतिहासिक रिज मैदान पर घोषणा की हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का, जहाँ इस देश के लिए राय हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश जो अस्तित्व में आया, डॉक्टर वाई एस परमार जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के, उनका बहुत बड़ा योगदान। एक समय हिमाचल को पंजाब में विलय करने की बात चल रही थी, लेकिन डॉक्टर परमार जानते थे कि पहाड़ी लोग हैं, हमें पहाड़ी राज्य चाहिए जहाँ हमारी भाषा, संस्कृति, हमारा जो रीति रिवाज, उस रीति रिवाज का हम संरक्षण कर सकें। नगर परिषद सुजानपुर में सोमवार को स्वर्ण जयंती घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों व स्वच्छता साथियों को सर्वेक्षण हेतु भेजा गया। इससे पहले नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार ने अभियान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहां से सर्वेक्षण बंद होगा, अगले दिन उसके अगले घर से इस सर्वेक्षण को पूरा शुरू किया जाएगा। उनका लक्ष्य है कि इस अभियान के तहत कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय परिसर गोहर में 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता एसडीएम गोहर अनिल भारद्वाज ने की। इस अवसर पर तहसीलदार जयगोपाल शर्मा, व्यापार मंडल के सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के कई नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों सहित कई लोग उपस्थित रहे। उधर एसडीएम अनिल भारद्वाज ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। जोगिंद्रनगर नगर परिषद के वार्ड 3 में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आर्मी कैंटीन के साथ लगते घर में रविवार रात करीब 1 बजे आग लग गई। इससे परिवार को नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे इस बारे में बिजली विभाग से 8-9 महीने से शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जमीन से सटकर बिजली की तारें गुजर रही हैं, जिससे उन्हें मवेशियों के लिए घास लाना भी मुश्किल हो चुका है। उन्होंने विभाग से इस समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। जगदीश भाटिया, मैं आर्मी कैंटीन के साथ लगते मेरा घर है, जो कि पिछले दिन रात को 1 बजे मेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। तो बिजली विभाग को 8-9 महीने से सूचित किया था कि मेरे घर में एक बिजली का पोल लगना है, जिसमें एक्शन साहब से भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने जेई को तत्काल इसमें यहाँ पर मेरे पास भेजा था। तो जेई ने मेरे को बोला था कि भाई 1 हफ्ते में लगेगा, तो वो 1 हफ्ता आज 8-9 महीने हो गए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। जब विभाग को नहीं दिखा तो युवाओं ने खुद ही उठा लिया बेलचा और पुलिया के ऊपर जमी मिट्टी को हटाकर नसीहत दे डाली। जानकारी के मुताबिक हरिपुर बनखंडी वासा मेहबा सड़क पर वासा के समीप भूतबड़ नामक स्थान पर पुलिया के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी।
मिट्टी को शिव शक्ति युवा क्लब बासा के युवाओं ने करीब 3 घंटे लगाकर साफ किया है। यहां मिट्टी जम जाने की वजह से पुलिया के ऊपर अक्सर पानी जमा रहता था और आना जाना मुश्किल हो गया था। साथ ही समस्त सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि इस पुलिया के ऊपर रेलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से बचा जा सके।